अनुष्का शर्मा भी विराट कोहली को फॉलो करते हुए अब क्रिकेटर बनेंगी, लेकिन वो क्रिकेटर बनेंगी फिल्म में। दरअसल में अनुष्का शर्मा, ऐसी रिपोर्ट आ गई है कि झूलन गोस्वामी की जो बायोपिक है वो फाइनलाइज्ड हो गई है और उसमें जो लीड रोल निभाएंगी वो अनुष्का शर्मा निभाएंगी। और सिर्फ लीड रोल नहीं निभाएंगी अनुष्का शर्मा, इसके अलावा वो इस मूवी की को प्रोड्यूसर भी होंगी। झूलन गोस्वामी जो कि बंगाल से बिलोंग करती हैं, 2002 में उन्होंने इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था और वो अब तक लिमिटेड ओवर्स में खेल रही हैं। झूलन गोस्वामी की उम्र 37 साल हो गई है, लेकिन अभी तक उनकी स्विंग में वही तेज तर्रार है जो 2002 में था। इसके अलावा फिल्म के कुछ हिस्से ईडन गार्डन्स में भी शूट किए जाएंगे, बाकी के हिस्से पश्चिम बंगाल में ही शूट किए जाएंगे क्योंकि झूलन गोस्वामी वहीं से बिलोंग करती हैं, उनका जो पास्ट जीवन है वो वहीं पर दिखाया जाएगा। अनुष्का शर्मा का जो अपना प्रोडक्शन है, इससे पहले वो अपनी खुद की NH10 भी प्रोड्यूस कर चुकी है और अब वो झूलन गोस्वामी की बायोपिक में भी को प्रोड्यूसर बनेंगी। अनुष्का शर्मा ने झूलन गोस्वामी के जैसे लुक रखना भी शुरू कर दिया है और ऐसी खबर है कि वो बहुत जल्द बॉलिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगी और झूलन गोस्वामी का एक्शन कॉपी करेंगी ताकि वो फिल्म में कोई भी कमी ना रहे और वो बिल्कुल झूलन गोस्वामी की तरह ही दिखे और झूलन गोस्वामी जैसा ही उनका एक्शन दिखे। झूलन गोस्वामी के बीच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कई कप्तान बदले, लेकिन एक नाम टीम में से कभी नहीं बदला, वो था झूलन गोस्वामी का। 2002 से अगर 2020 आ गया बात करें तो दो तीन नाम ऐसे हैं, दो नाम तो ऐसे हैं जो यूं के यूं ही रहे, बाकी पूरी महिला टीम बदल गई और वो दो नाम है मिताली राज और झूलन गोस्वामी। वहीं दूसरी तरफ मिताली राज की भी बायोपिक की तैयारियां चल रही हैं और ऐसी खबर है कि उनकी भी बायोपिक पर काम चल रहा है और अगले 3 साल में झूलन गोस्वामी और मिताली राज दोनों की बायोपिक आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। और झूलन गोस्वामी जहाँ अनुष्का शर्मा निभाएंगी झूलन गोस्वामी का रोल, वहीं मिताली राज का रोल कौन निभाएगा, इस बात को लेकर फाइनलाइज्ड अभी कुछ नहीं हुआ है। वहीं अगर महिला स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो मैरी कॉम के ऊपर बायोपिक आ चुकी है, साइना नेहवाल के ऊपर बायोपिक बन रही है और साइना नेहवाल की बायोपिक तो बहुत जल्द रिलीज भी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।